सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। कुल 95% उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर के लिए पैसा शासन से आया था, जिसके क्रम में समिति द्वारा जो टेंडर किया गया, जिसमें NCCF फर्म को 4,095 करोड़ के लिए टेंडर दिया गया और 95% विद्यालय 35 सीटर पे सप्लाई के आदेश थे। बहुत अच्छा, और जगह तो टूट गए अभी आपूर्ति की गई। सर्वप्रथम जांच के बाद 1 महीने का समय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में दिया गया था कि 1 महीने के अंदर ये खराब गुणवत्ता के सामानों को वापस करते हुए मानक अनुसार सप्लाई सुनिश्चित करें, लेकिन उनके द्वारा 29 दिसंबर को समय सीमा समाप्त होने तक कोई सप्लाई नहीं की गई थी, एक्सचेंज नहीं किया गया था। तो अब हम प्राथमिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे हैं जी। एक जेई लोगों के माध्यम से जो भी उसकी प्लाई की क्वालिटी की जांच के लिए जो समिति बनाई गई है, तो कितने दिन वो जांच पूरी होगी? 3 दिन के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए। परिषदीय विद्यालयों में जो बेंच डेस्क उपलब्ध कराने के लिए टेंडर की प्रक्रिया यहाँ पे कराई गई थी, और जिसके क्रम में जो फर्नीचर्स यहाँ पे आपूर्ति किए गए थे उसका हम लोगों ने जनपद स्तर पे टीम गठित करा करके उसका वेरिफिकेशन कराया था, और वेरिफिकेशन में ये पाया गया था कि अधोमानक क्वालिटी के फर्नीचर्स यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं, और उनको तत्काल प्रभाव से उसको रिप्लेस करने के लिए भी निर्देशित किया गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से उसमें FIR दर्ज करने के लिए भी BSA को निर्देशित किया गया, कोई भी उसमें पेमेंट नहीं किया गया और पेमेंट को उसको रोक भी लगाया गया कि उसमें किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करेंगे, और उनको तत्काल प्रभाव से उस सप्लायर को ब्लैकलिस्ट भी करते हुए FIR दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।